सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क ज़रूर पहनना है। अगर आप इम्प्लॉय हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, NHM में हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जो है कहीं CSC PSC में लगे हुए हैं, तो आपको अपनी जो है हेल्थ का सबसे पहले जो है खुद की हेल्थ की केयर करनी है, ठीक है। तभी आप जो है दूसरों का ट्रीटमेंट, जो मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे आज जो है बात करने वाले उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती, जिसमें कि हम जो बात करेंगे 1564 जो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती है, नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है उत्तराखंड में। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो ठीक है, क्योंकि इसका अपडेट अभी आने वाला है, तो ये मैंने कहा कि अब क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो आप लोगों को बताना ज़रूरी। यहाँ पे देखिए, जो उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है 1564, जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम से जो है कोई भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अपडेट जो है ना तो आयोग की तरफ से आया है, ना जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई शासनादेश इसके ऊपर आया है। तो अभी देखिए होने वाला क्या है कि 3 मई को हाई कोर्ट में जो है सुनवाई है, ठीक है। 3 मई 2023 को जो है हाई कोर्ट में जो है नर्सिंग ऑफिसर जो अधिकारियों की जो भर्ती है उसको लेकर जो है सुनवाई है। तो 3 मई को यहाँ पे अपडेट आ जाएगी, और 3 मई के बाद यहाँ पे क्या अपडेट आती है या आगे भी जो है वो डेट जो है आपकी आगे बढ़ा दी जाएगी, या उसी दिन जो है सारे जो मैटर्स क्लियर हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये 3 मई को आपको अपडेट मिल जाएगी। और देखिए, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो 1564 जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, ये ग्रुप सी के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, तो ग्रुप सी इसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जिसमें कि ये केस भी है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है जो दूसरे प्रदेश के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है, इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब ग्रुप सी जो होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो समूह व ग्रुप सी के अंतर्गत केवल वही कैंडिडेट जो है एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी होते हैं, यानी कि जो उत्तराखंड के जिनके पास में स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, तो वही कैंडिडेट जो है ग्रुप सी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और ये जैसे कि आप UK SSSC के फॉर्म भरते हैं या UK PSC के फॉर्म, उसके अंतर्गत जो समूह की ग्रुप सी की भर्ती निकलती है, तो उसमें आप देखते हैं कि केवल उत्तराखंड के ही कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती भी ग्रुप सी के अंतर्गत समूह के अंतर्गत आती है, और ग्रुप सी के अंतर्गत केवल, अब ये जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य सरकार के ऊपर ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो इस जो है भर्ती को अब इसमें किस तरीके से जो है देखते हैं, इसमें ग्रुप सी के अंतर्गत क्या वो जो है दूसरे कैंडिडेटों के लिए भी छूट देते हैं, जो भारी प्रदेशों के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, क्या उनके लिए भी वो एलिजिबिलिटी रखेंगे कि वे भी अप्लाई कर सकते हैं, वे भी एलिजिबल हैं इस भर्ती के जो है काउंसलिंग के लिए, या वे नहीं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये पूरी तरीके से जो डिसीजंस रहेगा ये अभी जो है उनके राज्य सरकार के पास रहेगा। साथ ही साथ जो हाई कोर्ट से जो है क्या डिसीजंस आता है उसको भी हमारा ये उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि जो है क्या, क्योंकि देखिए जो हाई कोर्ट ने भी उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे जो है छूट दी थी कि वे जो है वे सभी कैंडिडेट इसमें जो, क्योंकि ऐसा हुआ था जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो भारी प्रदेशों के जो है बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि केवल नियम ये था कि जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वे कैंडिडेट हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने उनको ये फॉर्म भरने के लिए उनको जो है आदेश जारी कर दिया था, और उनके पक्ष में सुनवाई हुई थी, और वे यहाँ पे उन्होंने तो भारी प्रदेशों के जो जो भी कैंडिडेट थे वे आवेदन यहाँ पर कर पाए थे, तो उन्होंने आवेदन किया भी, ठीक है। और अब जो है आगे जो क्या फैसला आता है, क्या डिसीजंस आता है, ठीक है, उसके बाद ही, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और काफ़ी सारे केस इस भर्ती के चल रहे हैं, तो जब तक सारे जो है केस क्लियर नहीं होते हैं तब तक ये भर्ती आगे प्रोसेस नहीं होगी।
फिलहाल जो है नॉर्सेट के फॉर्म आ रखे हैं, तो आप नॉर्सेट की तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए नॉर्सेट पे, ठीक है। लेकिन ये भर्ती जब भी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी या किसी तरह की जो है न्यूज़ आएगी तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसी तरह की जो अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। और अभी फ़िलहाल कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है इस भर्ती को लेकर, ठीक है। तो देख आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्या जो है हाई कोर्ट से जो है इस भर्ती के लेकर क्या डिसीजंस आते हैं। तो ये इन सभी पे हमारी जो है निगाहें रहेगी।